नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GP24। प्रसन्न वाटिका झलमला में जल्द से जल्द कार्रवाई की हुई मांग, कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम झलमला के ग्रामीण कर सकते हैं बड़ा आंदोलन। प्रसन्न वाटिका झलमला में जल्द से जल्द कार्रवाई की हुई मांग, क्योंकि ये कमिश्नर कोर्ट दुर्ग से अपर कलेक्टर बालोद, नायब तहसीलदार बालोद, इन सबके पास से जब ग्रामीणों के पक्ष में फैसला आ गया, जबकि तीन बार सीमांकन होने के बाद और जिसमें चार गांव के पटवारी भी उपस्थित थे, जो कि गांव की शासकीय भूमि है, जिस पर प्रशासन अब तक मौन है, और 17 जनवरी का समय भी दिया गया था, समय पर समय दिया जा रहा है मगर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर किस वजह से अब तक ये मामला रुका हुआ है, जो खसरा नंबर 1233/1 में अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्राम झलमला के ग्रामीण बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। पंचायत को तो सपोर्ट कर दिया जाए, तब हम आज ये आश्वासन दीजिए, तब हम आप इस हड़ताल से उठेंगे, अन्यथा फिर बहुत साल हो गया, 15 साल हो गया, 4-4 बार ये सब काम नहीं है हमारे पास। बहुत बढ़िया कर लो, सरपंच पर कोई मामला लगा दो, कहीं चीज पर लगा दो, मैं जाए पर तैयार हो, पूरा गांव वाले मेरे साथ हो कि नहीं हो, चाहे 40 लगा दो धारा, चाहे कहीं भी लगा दो, सरपंच तैयार है और लेके जाएंगे तो पूरा गांव वाले ही जाएंगे। बोलो भारत माता की। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GP24।